नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम गगन है, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एस प्लस वेरिएंट को कवर करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉक अराउंड और जो मेजर आपके चेंजेस हैं एस और एस प्लस वेरिएंट की, उसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन मेक कर सकें कि एस लेना है या एस प्लस वेरिएंट लेना है। अगर साइड लुक की बात करें तो आपको स्टील व्हील मिलते हैं 15 इंचेस के, 195/65 सेक्शन के टायर मिलेंगे और आपको जो साइड मिरर था उस पर रन इंडिकेटर मिल जाएंगे विद फोल्डिंग फंक्शन, जो कि पहले नहीं आता था एस वेरिएंट के अंदर, ये एस प्लस वेरिएंट में ऐड ऑन करा गया है। अगर पीछे से बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है इसी वेरिएंट में और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, बाकी सेंसर दोनों ही वेरिएंट में आते हैं। अगर दूसरी तरफ से भी लुक की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है मेजरली। आपको जो फ्रंट से लुक आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, जिसमें आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और DRL भी मिल जाएंगे। ये कार के लुक्स और जो विजिबिलिटी है आपकी नाइट की, वो उसको एनहेंस करेंगे आपको। अगर आपको मैं लाइट एक बारी ऑन करके दिखाता हूँ फ्रंट की, तो बहुत ही अच्छी आपको DRL की लुक मिल जाती है इसके अंदर और आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप और हेडलैम्प दोनों वर्क कर रहे हैं और हाई बीम भी अभी आप देख सकेंगे कि वर्क करेगी और इसमें आपको कॉर्निंग लैम्प भी मिल जाते हैं। अगर हम पीछे से बात करें तो आपको LED क्रिस्टल इफेक्ट के साथ फुल LED लाइट्स मिलेंगी इसके अंदर। जब आप हेडलैम्प ऑन करेंगे तो आपको एडिशनल लाइट्स इसके अंदर प्रोवाइड करी गई हैं। इंटीरियर की बात करें तो आपको टच स्क्रीन मिल जाता है 8 इंचेस का और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और गियर नब आपकी सेम टू सेम रहती है। आर्मरेस्ट भी सेम मिलेगा एस वेरिएंट के साथ में, गियर नब पे आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक AC एक अच्छा ऐड ऑन है, प्लस आपको इसके अंदर MID सेम मिलती है। अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील इसी वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और अगर हम बात करें की तो की भी आपको सेम टू सेम जो एस वेरिएंट में आती है सेम आपको इसमें भी मिल जाएगी। ड्राइवर साइड में आपका जो एडिशन हुआ है वो है पावर फोल्डिंग मिरर्स, जिसका बटन आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड पे। दोस्तों जो एक कमी आपको महसूस होगी वो है फ्रंट कैबिन लैंप की, जो कि इस वेरिएंट में नहीं मिलता आपको, सिर्फ एक मिडल में लैंप दिया गया है। फ्रंट पैसेंजर के लिए लाइट एडिकेट नहीं रहेगी इसके कारण। अगर ये हेडरेस्ट की बात करें तो वो एडजस्टेबल टाइप मिल जाते हैं आपको, जो कि आपके रियर पैसेंजर की कंफर्ट का ध्यान रखेगा, बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। रियर एसीवेंट दोनों ही वेरिएंट में मिल जाते हैं। पीछे से अगर हम लुक देखें फ्रंट कैबिन की तो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है और आपका जो टच स्क्रीन और जो ऑटोमेटिक AC है इसका लुक एनहांस करता है। बूट की अगर बात करें तो ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बूट लैंप आपको मिल ही जाता है इस वेरिएंट में भी। और जो आपका स्पेयर व्हील है वो भी 195/65 R15 साइज़ का ही टायर मिल जाता है, जो कि सारे बाकी हमारे 4 टायर थे सेम टू सेम साइज़ के आपको मिल जाएंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको मैं एक बार रिवर्स वर्किंग कैमरा का डिस्प्ले दिखा देता हूँ, स्क्रीन में कैसा आता वो आप अभी देखिए। तो बहुत ही क्लियर डिस्प्ले है। और अगर आप, मैं आपको बात करूँ इसका जो रियर कैमरा कहाँ लगा है, नंबर प्लेट के ऊपर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड करा गया है। तो दोस्तों यही था एक क्विक वॉक अराउंड। मेरे हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो जो फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल रहे हैं एस वेरिएंट से, वो बहुत ही अच्छा मेजर अपग्रेड है और आपको टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं सिर्फ अलॉय व्हील्स और सनरूफ को छोड़ के। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है तो आप इस वेरिएंट के लिए जाए, नहीं तो एस वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी है और बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।